सामान्य गणेश जी संबंध है यह स्पष्ट नहीं है कि जो हम गणेश उत्सव में गणेश जी की पूजा करते हैं या किसी शुभ कार्य में हम गणेश जी की जो पूजा करते हैं वो गणेश कौन है। वास्तविक में गणेश दो गणेश हैं, एक आदि गणेश हैं और एक पार्वती, एक पार्वती पुत्र गणेश। तो आदि गणेश के संबंध में हमें यजुर्वेद के मंत्र में यह स्पष्ट रूप से मिलता है कि हरि ओम गणानां त्वा गणपति भंगवामहे विधीनां त्वा विधिपति भंगवामहे वसो मम आहमजानी गर्भधमात्मजासी गर्भधम। वेदों को किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं माना गया है, इसे औपनिषद कहा गया है। तो जब गणेश जी का उल्लेख वेद में है, इससे स्पष्ट है कि वह आदि गणेश है। यह गणेश उत्सव में जो गणेश जी की पूजा की जाती है उससे वह भिन्न आदि गणेश है। इस संबंध में एक और बहुत स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि जेतुम शस्त्र गुरम हरेण हरिणा व्याता द्वयम बंधता त्राणुम वादि भवो भवेर भुवनम शेषेण धरतुम धराम पार्वत्या महिषासुर प्रमथने सिद्धादि द्वैत सिद्धये व्यातः पंच शरेण विश्व जिनके पायस्य नागार्ण। अर्थात भगवान शिव को जब त्रिपुरासुर का संहार करना पड़ा था उसमें भी उन्होंने गणेश की आराधना की थी। बलि को छल से बांधने के लिए भी भगवान विष्णु को गणेश की आराधना की गई, गणेश की आराधना करना पड़ा था। जगत की सृष्टि करने के लिए भी ब्रह्मा को भगवान आदि गणेश की आराधना करनी पड़ी थी। पृथ्वी को धारण करने के लिए भी शेषनाग को गणेश जी की आराधना करनी पड़ी थी। महिषासुर को मारने के लिए पार्वती को भी भगवान आदि गणेश की आराधना करनी पड़ी थी। सिद्धियों को सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी आदि गणेश की आराधना करनी पड़ी थी। इस श्लोक से सिद्धियों को भी अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए जैसे सनक सनंदन सनक कुमार सोनकार जैसे जो ऋषि हैं इनको भी अपनी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी गणेश की आराधना करनी पड़ी थी। तो इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि आदि गणेश जो है जिसका उल्लेख वेदों में और उक्त श्लोक में जैसे बताया गया है वह गणेश उत्सव में जो पूजा की जाती है उससे भिन्न गणेश। ये जो पूजा जो की जाती है गणेश उत्सव में यह पार्वती पुत्र गणेश जी, पार्वती पुत्र गणेश जी के संबंध में यह कहा गया है कि शुंखश्चैक दन्तस्य कपिलोगजकर्णतः लम्बोदरस्य विकटो भीनासो गणाधिप धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालश्चंद्रो गजानन द्वादशयुताय नामानि यपठे शून्यादपि विद्यारम्भे विवाहश्च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे स्मरत्नैव विघ्नस्तत्र जायते गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है उमासुतम, उमा का पुत्र बताया गया है। उमासुतम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमा विघ्ने स्वरपाद पंकजम। महाभारत की रचना की गई उस समय महर्षि वेदव्यास जी को एक लेखक की आवश्यकता थी। भगवान वेदव्यास जी ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा कि प्रभु मैं महाभारत जिसका पुराना उसका वास्तविक पुराना नाम जो था वो जय भारत है। इसके संबंध में यह प्रमाण मिलता है कि नारायण नमस्कृत नरम जैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासम ततो जय मोदी रहे। यहाँ जय शब्द वास्तविक में महाभारत बाद में उनका नाम पड़ा है, वास्तविक में इसका पुराना नाम जय है।
तो जब उनको महाभारत की रचना की आवश्यकता जब पड़ी थी, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी से उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु मुझको एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है कि मैं जब धारा प्रवाह बोलता रहूं तो उसको लिखता रहे।